चलो देखो, अभी तक की क्लास में गवर्नमेंट बजट पूरा ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव पूरे एक्सप्लेन कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ बजट पूरा एक्सप्लेन किया। आज की जो कंप्लीट क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे बजट डेफिसिट के बारे में। बजट डेफिसिट को समझने से पहले तीन टर्म्स को हम लोग समझेंगे, फिर देखेंगे कि बजट के जो डेफिसिट हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं। क्लियर है कहानी यहाँ तक? गवर्नमेंट बजट में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पूरी यूनिट 6 नंबर की, जैसा कि पता है आप लोगों को। और बजट के स्ट्रक्चर में से या तो डिफरेंस या फिर एग्जाम्पल बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बजट डेफिसिट में से अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन जो बजट डेफिसिट के तीन टाइप्स होंगे उसमें एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ के चलना। न्यूमेरिकल्स लेकिन आज की क्लास में नहीं कराऊंगा, फिर कभी फर्दर क्लास में करा दूंगा, बट आज की क्लास में बजट के डेफिसिट को समझेंगे कम्प्लीटली। देखिए, बजट के डेफिसिट को समझने से पहले एक चीज़ समझिए कि जब भी हम लोग बजट बनाते हैं तो बजट तीन तरीके का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट। एक हो सकता है आप लोगों का सरप्लस बजट, एक हो सकता है आप लोगों का डेफिसिट बजट। अब अगर आप लोगों को याद है तो मैंने पहली क्लास ही बताना स्टार्ट किया था कि बजट क्या है। बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स होती हैं और गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। गॉट इट? यानी कि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट रिसीप्ट्स को दो वर्ड्स में दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। या तो मैं बजट रिसीप्ट्स बोलता था और इसको मैं बजट एक्सपेंडिचर बोलता था। और बजट रिसीप्ट्स को आप चाहें तो टोटल रिसीप्ट्स बोलकर चल सकते हैं, और या तो चाहें तो टोटल एक्सपेंडिचर बोलकर चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर समझिएगा, इकॉनमी तीन तरह के बजट को अडॉप्ट करती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बजट अडॉप्ट कर रही है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे बैलेंस बजट की, तो बैलेंस बजट का मतलब क्या है, तो मैं तीन तरीके से समझा के चल रहा हूँ कि फर्स्ट तरीका क्या है कि जो गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स होगी वो किसके बराबर होगी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के। अगर आम भाषा में बात करें कि जितना पैसा आ रहा है उतना ही गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी उतने क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे। और टोटल रिसीप्ट्स गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होंगे। तो यानी कि अगर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस बजट एक नंबर में, या एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बराबर होते हैं, या फिर गवर्नमेंट की बजट रिसीप्ट्स बजट के एक्सपेंडिचर के इक्वल होते हैं, या सबसे अच्छा कि गवर्नमेंट की जितनी भी टोटल रिसीप्ट्स होती हैं वो टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होंगी। बट क्या गवर्नमेंट को बैलेंस बजट अडॉप्ट करना चाहिए इकॉनमी में? मे बी 90% लोग कहेंगे हाँ, 10% लोग कहेंगे ना। लेकिन ज़्यादा समझदार यहाँ पे 10% वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि बैलेंस बजट कभी भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्रिटिसाइज्म मिलता है बहुत ज़्यादा, लोग आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों, लास्ट में बताऊँगा। अब बात करते हैं सरप्लस। सरप्लस को अगर मैं कहूँ सिंपल सा कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं बार बार ये टर्म्स नहीं लिख रहा, अब आपको समझ में आ गया है। तो मैं सिंपल कहना चाहूँगा कि जब बजट रिसीप्ट्स गवर्नमेंट की ज़्यादा होगी बजट एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन, या बहुत प्यार से हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के टोटल रिसीप्ट्स ज़्यादा होंगी टोटल एक्सपेंडिचर, तो व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस बजट? तो सरप्लस बजट मीन्स व्हेन बजट रिसीप्ट्स एक्सीड ओवर बजट एक्सपेंडिचर, तो इसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस बजट। डन। और इसी के साथ हम लोग बात करते हैं डेफिसिट बजट के बारे में। तो डेफिसिट बजट क्या इंडिकेट करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो डेफिसिट बजट के बारे में जब बात करते हैं, देखिएगा इधर, बजट रिसीप्ट्स के कंपैरिजन बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगी, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स कम होती है, या फिर टोटल रिसीप्ट्स के कंपैरिजन टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है। अब गजब की बात है कि बैलेंस बजट अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, सरप्लस बजट अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो पैसा बचाकर क्या करोगे इकॉनमी में, और अगर बजट डेफिसिट है आपको नुकसान है तो इसका मतलब है कि आप वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम कर रहे हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट के नाते देखा जाए कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो बहुत ज़्यादा कर रही है,
लेकिन आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट को इनकम नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा उससे क्या हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप कैपिटल गुड्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको उससे रेवेन्यू नहीं हो रही है बहुत टाइम से, तो ये भी एक तरीके से सोचने वाली बात हो जाती है। तो यहीं पर जो डेफिसिट बजट होता है, इसको स्पेशली हम लोग क्या नाम देते हैं, बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट में तीन तरह की सिचुएशन देखी जाती है, तीन तरह में मैं इनको नाम देता हूँ, जिसको हम लोग FD बोलते हैं, FD मतलब फिजिकल डेफिसिट, और दूसरे का नाम देते हैं RD मतलब रिवेन्यू डेफिसिट, और तीसरा है PD मतलब प्राइमरी डेफिसिट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, और PD मतलब प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है। भैया प्राइमरी डेफिसिट अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि नाम में ही पहला वर्ड क्या मिलता है, प्राइमरी। ये नहीं पे करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। या फिर सिंपल सी भाषा में कहो, आपने उधार ले लिया और जिस गली से गुजर रहे हो, अगर आपको जिससे आपने पैसा उधार लिया है उसको अगर नहीं पे करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ के चलना है। फिजिकल डेफिसिट और बजट डेफिसिट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेम ही है, और रिवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिफाइन कर लीजिएगा अच्छे से इसको, और फिर लेके चलते हैं हम लोग आगे डेफिसिट के बारे में पूरा का पूरा। देखो अब सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है, डेफिनेशन बिल्कुल भी रटा मत मारना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग FD। FD मतलब क्या बताया, फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट को समझने का मतलब है कि एक तरीके से गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोल सकते हैं इसको। फिजिकल डेफिसिट क्या है, गवर्नमेंट के जितने भी रिसिप्ट्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी रिसिप्ट्स हैं उसमें से अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल, अभी पहले समझ लेना अच्छे से, अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपये की आमदनी है और खर्चा आपका 12 रुपये का है, तो यानी कि 2 रुपये का आ गया आपका घाटा आ गया। तो बजट डेफिसिट कितने का आ गया, फिजिकल डेफिसिट कितने का आ गया, -2 रुपये का। तो या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल डेफिसिट। लेकिन अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल बोलता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेफिसिट, बड़ी अच्छे से टर्म्स में समझाइएगा कि फिजिकल डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, टीचर काट देगा। याद रखना कि बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर को अगर माइनस करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट आता है, बिल्कुल राइट है ये वाला। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ध्यान देना, यहां पर एक वर्ड जिसको मस्ट यूज करना है, एक्सेप्ट बोरोइंग, यानी कि बोरोइंग एंड लाइबिलिटी को छोड़ करके, अब डेफिनेशन बन जाएगी परफेक्ट। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट बोरोइंग, यानी कि बोरोइंग को छोड़ करके। अब ये क्वेश्चन तो जरूर दिमाग में उठा होगा कि बोरोइंग को क्यों छोड़े, मस्ट है भाई, बनता है क्वेश्चन ये तो, ठीक है, तो बोरोइंग को छोड़ करके। अब यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट क्या है, बजट रिसिप्ट माइनस बजट एक्सपेंडिचर। या फिर इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब गवर्नमेंट की बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है किस पे, बजट रिसिप्ट से, तो एक्सेप्ट से वही टर्म बोरोइंग। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर ओवर बजट रिसिप्ट्स। बजट फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर ओवर बजट रिसिप्ट्स इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। गॉट इट? तो ऐसे डिफाइन करने के लिए एक्सेप्ट बोरोइंग वर्ड याद रखना है, वरना डेफिनेशन गलत हो जाएगी। अभी इसके बारे में और डेप्थ में बात करेंगे कि क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है, 5 क्वेश्चन बनाएंगे इसमें हम बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखिए सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आता है आपका, पहले PD के बारे में बात करते हैं फिर RD में जाएंगे। तो PD मतलब प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट ध्यान देना। प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि फिजिकल डेफिसिट में से अगर आप लोग आईपी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, आईपी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, इसके नाम में ही इसका काम छुपा है, ध्यान देना, प्राइमरी डेफिसिट। FD मतलब फिजिकल डेफिसिट, आईपी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि इंटरेस्ट किस पे करते हैं आप लोग जब पैसा उधार लेते हैं, तो यहां पर किसको अलग रखा गया है, बोरोइंग्स को। क्यों? ये दिखाने के लिए कि हम लोग कितना इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट को स्पेशल दर्जा दिया गया है और यहां से बोरोइंग को हटाया गया है, समझ में आया। फॉर एन एग्जांपल, यहां पर जैसे हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट 2.5% है, या गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट 3.5% है, हर साल आप जब बजट आता है तो आप ये सेंटेंस सुनते हैं,
ये 2.5 3.5 का मतलब क्या है, मान लीजिए आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये में 2.5% आपका क्या है, नुकसान है। यानी कि अगर इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन की है तो 3 ट्रिलियन का 2.5% निकाल लो आप और देख सकते हो कि इतना ज़्यादा आपका क्या है, फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, आप समझिएगा प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट एंड आईपी का डिफरेंस। आया मज़ा? यानी कि प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट एंड पेमेंट। क्लियर होगी बात यहाँ पर, समझ में आ गई कहानी? अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि आप फिजिकल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पर? तो मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो फिजिकल डेफिसिट क्या हो जाएगा, पीडी प्लस आईपी। यानी कि दो बातें हो गई, फिजिकल डेफिसिट दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो बजट रिसिप्ट माइनस बजट एक्सपेंडिचर और दूसरा प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ध्यान देना, इसको मिला करके कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार तो चार चांद वैसे ही है, 20 नंबर का एमसीक्यू है, तो हो सकता है कि फिर यहाँ से क्वेश्चन आए। क्लियर है कहानी? तो अगर ये चीज़ दिमाग में रहेगी तो न्यूमेरिकल करने में भी हेल्पफुल रहोगे आप लोग काफ़ी ज़्यादा। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरा आरडी के बारे में। आरडी मतलब रिवेन्यू डेफिसिट, आरडी मतलब रिवेन्यू डेफिसिट। देखो, बच्चा कभी नहीं फंसेगा। कौन सा बच्चा नहीं फंसेगा? जिसने बजट के स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ा था, कंपोनेंट्स को याद है? बजट के कंपोनेंट्स में जब बात कर रहे थे, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में याद होगा सारे एग्जांपल्स दिए थे। अब बच्चा पूछता है, सर रिवेन्यू डेफिसिट अगर ज़्यादा है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सोचो, सोचिएगा ध्यान से। अब रिवेन्यू डेफिसिट अगर ज़्यादा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला देख लो, सिंपल, रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर आप चाहें तो क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस होगा जब रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो इसे क्या बोलेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट। अब कॉमन सी बात, अगर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, अब देखिए तीन टॉपिक हैं, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रिवेन्यू डेफिसिट। यहाँ पर तीन क्वेश्चन बनते हैं, इनके इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है यानी कि इनके निहितार्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा, इनके इम्प्लीकेशन क्या है यानी कि इनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं इकोनॉमी पर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये तो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों के इम्प्लीकेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो हो तो ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट अगर गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हाई है तो गवर्नमेंट क्या करे। ठीक है, तो इन तीनों में से आप आराम आराम से एक एक करके सबके आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो फिर रिवीजन टाइम में, डन। क्योंकि इम्प्लीकेशन वाला पॉइंट अभी एग्जामिनेशन पॉइंट्स में, हॉट्स में पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता है, और जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उस क्लास में एक दिखाऊंगा मैं आपको कि प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है तो वो क्या इंडिकेट करेगा। फिलहाल एक क्वेश्चन पे डील करते हैं कि रिवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई हो तो क्या इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो तब तक एक सुंदर सा इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए, मेरा क्वेश्चन है कि रिवेन्यू डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर रिवेन्यू डेफिसिट को समझने के लिए ना, कि बहुत ज़्यादा है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं आपको एक डेमो देता हूँ इसका। देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है। तो बड़ा ही सिंपल आंसर आएगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर रिवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दे तो उसे हम रिवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, राइट। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है और रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आती है, तो याद होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था कि गवर्नमेंट जितना भी स्कॉलरशिप पे खर्च करती है वो सारा किस में आएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट जितना भी पेंशन वगैरह पे करती है वो किस में आएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जितने भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सपेंसेस करती है, लास्ट क्लास में मिस हो गई थी स्पेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सपेंस करती है वो सारे क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, जितने भी गवर्नमेंट आप लोगों को क्या देती है, सब्सिडी वगैरह देती है, ये सब किस में आता है आपका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट जितना भी इंटरेस्ट वगैरह पे करती है वो सब किस में जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अच्छा, ग्रांट्स वगैरह जो देती है वो सब कहाँ जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में टोटल जितने खर्चे सारे फालतू हैं अगर सोचकर देखा जाए तो, क्योंकि स्कॉलरशिप डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, पेंशन ऑफकोर्स ओल्ड एज वगैरह के लिए दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जितने भी हमारी मिनिस्ट्री दिखाई देती है, जितना भी हमारा डिफेंस दिखाई देता है, यानी कि कुल मिलाकर के इकोनॉमी का जो भी स्ट्रक्चर है उन सब पे जो खर्चा हो रहा है वो सारा क्या चला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव।
यानी कि स्टाफ की सैलरी पर ज़्यादा खर्च होना भी नुकसानदायक हो सकता है। उसके साथ साथ जितने भी सब्सिडी वगैरह के सोर्स हैं वो भी दिखा जा सकता है, ग्रांट्स वगैरह यानी कि जो भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। अब रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो गए, सारे के सारे टैक्सेस रिसिप्ट, जितने भी फीस, फाइन, लाइसेंस, इसके अलावा जितने भी आपके डिविडेंड आते हैं गवर्नमेंट को, जितने भी बताओ शाबाश भूल क्यों जाते थे जल्दी, एस चिट की इनकम हो गई, यानी कि कुल मिलाकर ये सारे इनकम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर रिवेन्यू डेफिसिट हाई है, तो रिवेन्यू डेफिसिट हाई है तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसको कंट्रोल करने के लिए, सिंपल सी बात है कि ये जितने भी खर्चे हैं इन सबको क्या करेगी, थोड़ा सा कम करेगी, और ये खर्चे जितने भी है रिसिप्ट्स में इनको और अर्निंग के सोर्स क्या करेगी, बढ़ाएगी। और वन ऑफ द बेस्ट सोर्स क्या है उसके अंदर, टैक्सेस। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वो सोर्सेस जिन पे आपको विचार करना चाहिए। तो ध्यान देना कि बजट डेफिसिट में आपने देखा कि बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, तीनों टाइप्स में उनका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर इसके न्यूमेरिकल्स के एक और लेक्चर्स देखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फिर कभी टाइम मिलेगा तो। सो आज के लिए इतना ही था। सो ओके, बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।